स्वाति मैम जवाब नहीं देना चाहती, वो चाहती है कि सर सर बोलते रहे, हम सुनते रहे। चलिए सर अभी आई हूँ, सर चलिए, कैसे हैं मैम? जस्ट अभी आई, सर बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास से किसी का कोई क्वेश्चन? राकेश जी कोई क्वेश्चन? गौरव जी, मनोज जी, संजीव सर, उमेश सर, कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, नहीं सर, मेरी तरफ से भी कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए। आज जैसे कि हमारा आज वर्डप्रेस की क्लास थी, और हम जो एसईओ टॉपिक कल हमने किया था, उस एसईओ के अंदर मेरे जब मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ पूछ के क्लास को आगे बढ़ाता हूँ, सो दैट मेरे पास ये कॉन्फिडेंस लेवल हो कि आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये वर्डप्रेस तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दे दिया, पढ़ लो, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जिसका आप लोग कोर्स कर रहे हैं, ये 100% आप लोगों के समझ में आना चाहिए, मैं तभी क्लास आगे लेके चलूंगा। तो इसलिए आपके क्वेश्चन आंसर हर सेशन के बाद, आपके क्वेश्चंस नहीं है तो मेरे क्वेश्चन जरूर आपके पास आएंगे। पहला क्वेश्चन मनोज जी, अगर आपने वीडियो देखी हो सर, एसईओ को क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एसईओ? जीरो से हीरो सर। ये लाइंस अगर आपने बोल दी तो इसका मतलब आपने मेरी वीडियो देखी है। रखते हैं ये लाइन, जीरो से हीरो। चलिए सर, डिफाइन करें थोड़ा एसईओ को। अगर आपसे कोई टेक्निकली पूछे कि एसईओ क्या चीज है, तो उसको थोड़ा सा टेक्निकली डिफाइन करें सर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपने को अपनी जो प्रेजेंस है वो अपनी रैंकिंग के थ्रू उसको बेस्ट बेस्ट बनाना, बहुत बढ़िया। मतलब अपने पेज का ऑप्टिमाइज कर देना, मैक्सिमाइज कर देना किसी चीज को, कि अब रैंकिंग आपकी ठीक हो जाए, आपके पास ट्रैफिक जनरेट हो। चलिए बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। संजीव सर, एसईओ के दो वर्टिकल्स हैं, क्या हैं दो वर्टिकल्स? वो दो पार्ट हैं एसईओ में, क्या हैं सर वो दो पार्ट? एक तो ऑप्टिमाइजेशन है सर, जी और एक इंजन है जो सर्च इंजन है। बहुत बढ़िया सर, तो ऑप्टिमाइजेशन जिसके थ्रू हम वेबसाइट को हाईएस्ट रैंकिंग पे लेके जाते हैं, जी अपने वर्ड को अच्छे लेवल से अच्छे तरीके से लिख बहुत के बढ़िया, और गूगल की रिक्वायरमेंट को समझ के हम बहुत वर्ड्स। बढ़िया सर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बहुत पसंद आया सर, लेकिन आंसर गलत है। गौरव जी, क्या है दो वर्टिकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के सर? सर एक है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। संजीव सर याद आ गया? यस सर। चलिए सर, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था सर। चलिए राकेश सर, आप पे आते हैं सर, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? आपके सामने अगर कोई क्लाइंट आता है, उस क्लाइंट को आप क्या बोलेंगे सर? मान लीजिए अगर क्लाइंट आपके पास आता है और उसकी क्लाइंट की वेबसाइट में कुछ आपको दिक्कत समझ आई वेबसाइट के अंदर, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे समझाएंगे कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है और क्या है ये? सर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है सर, उसमें अपने ही जो प्रोडक्ट और जो सर्विस है उसके बारे में सर ज्यादा से ज्यादा बताना, ताकि उसके उसके बेसिस पे जो हमारी रैंकिंग हो गूगल पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे ऊपर जाए। वो बेसिकली अपने बारे में ही प्रमोशन करना, लेकिन हमारी वेबसाइट के ऊपर ही, रदर देन कि कहीं बाहर किसी और पे, अपनी खुद की पेजेस पे अपने बारे में लिखना, ब्लॉगिंग करना, सो दैट इज ऑन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। चलिए बहुत बढ़िया सर, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो क्लाइंट ये बोलता है कि यार मैंने वेबसाइट बना ली है, लेकिन मेरी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं कर रही, या गूगल मेरी वेबसाइट को रीड नहीं कर रहा, मैं अगर अपनी वेबसाइट का लिंक गूगल में टाइप कर रहा हूं तो मेरी वेबसाइट वहां दिख नहीं रही है, इसका क्या रीजन हो सकता है राकेश सर? सर उसका रीजन ये हो सकता है कि उसने टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह सर जो है डाले नहीं है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेजेस पर मतलब ठीक है, उसने ओन पे जो ऑप्टिमाइजेशन है उस पर काम नहीं किया। चलिए तो दैट मींस अगर हम कहीं समझे कि हमारी वेबसाइट गूगल या किसी सर्च इंजन में जब दिखती है, वो जो दिखना है, वो जो लिमिट उसकी, जो टेक्स्ट दिखेगा उसका, जो पूरा उसका जो दुकान का जो रैक है, गूगल जो सजाएगा आपके आइटम को, आपकी वेबसाइट को, वो एक तरीके का आइटम ही है ना गूगल के लिए, वो बेच रहा है ना उस प्रोडक्ट को, तो वो जो प्रोडक्ट है उस पर जितनी चीजें आएंगी वो कहीं ना कहीं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन से आ रही है। आपके कहने का मतलब ये है सर? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आप ठीक हैं सर, बिल्कुल सही हैं। देविका, कुछ टेस्ट आपको भी कर लेते हैं मैम। मैम अगर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत खराब है, तो क्या मैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करके अपनी वेबसाइट की रैंकिंग लेके आ सकता हूं?
ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई क्लिक कर रहा है और इज अनेबल टू फाइंड द वेबसाइट, तो वो ऑफ पेज करके देयर इज नो पॉइंट. तो आपका लैंडिंग पेज जो भी आपका होता है, इट शुड बी वेरी क्विक, कि वो क्लिक करते ही आपका वेबसाइट आनी चाहिए. बहुत बढ़िया. एंड आपका कंटेंट सेकेंडली बहुत अच्छा होना चाहिए, सो दैट व्हाटएवर ही इज लुकिंग फॉर, इट शुड बी देयर. बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर मैम. स्वाति मैम आपके पास आते हैं, मुझे थोड़ा सा ये समझाइए मैम, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज है, कैसे डिफाइन करेंगे टेक्निकली इसको? किसी इंटरव्यू में अगर बैठे हो और आपसे पूछ लिया जाए व्हाट यू मीन बाय ऑप्टिमाइजेशन और व्हाट यू मीन बाय ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, कैसे बताएंगे इसको? जी सर, ऑफ पेज एसईओ में इसमें हम किसी वेबसाइट पर, किसी और की वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट को लिखते हैं या फिर अपनी लिंक जनरेट करते हैं, जैसे रीड मोर का बटन देके. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. क्लिक करने पर सर वो अपनी वेबसाइट पे आता है. चलिए, बहुत बढ़िया. मैम एक चीज आपने आंसर बहुत परफेक्ट दिया है, बस स्टार्टिंग में जो आपने वर्ड बोला ना कि ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ नहीं होता मैम, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है. दोबारा बताएं इसको. ओके सर, बोलिए. ऑफ पेज, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज एसईओ नहीं होता. ओके सर, एसईओ एक टेक्निकल टर्म है जो हम जैसे लोगों ने दे दिया है आप जैसे लोगों को पकड़ने के लिए. एसईओ गूगल ने नहीं बोला कि एसईओ एसईओ कुछ है ना? SEO कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ये लोगों ने बस बना दिया है कि हाँ SEO की वजह से आपकी रैंकिंग होती है, आपका कंटेंट अच्छा होगा तो अपने आप टॉप रिजल्ट्स पे आएंगे. चलिए उमेश सर आपके पास आते हैं. सर अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है, आप कैसे चेक करेंगे कि सर उसका ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है? आप अगर कोई क्लाइंट, उमेश सर आपके पास आ रहा है, सुन पा रहे हैं उमेश जी मेरे को? हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ. चलिए सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है और वो बोल रहा है कि मेरी वेबसाइट को आपको प्रमोट करना है, तो आप क्या चेक करेंगे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में और कैसे गेस करेंगे कि उसका ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है कि नहीं है? सर सबसे पहले तो आप सबसे इजी सवाल पूछो, मुझसे इतना मुश्किल सवाल पूछिए. बाकी सबकी प्रॉब्लम छोटी लगती है. चलिए सर बताए सर. सर ट्राई करता हूँ सर. सबसे पहले तो सर ऑफ पेज से पहले उसका ऑन पेज, ऑन पेज उसका सही है कि नहीं, वो पहले चेक करना चाहिए. बहुत हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बढ़िया. बताइए आगे. अगर उसका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट है फिर भी उसको इश्यूज आ रही है, तो हो सकता है कि वो जहाँ पर अपना ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करा रहा है वो शायद वो सही जगह नहीं है जहाँ से वो करवा रहा है. मान लीजिए कि मेरा साइडी का वेबसाइट है और मैं उसको किसी कार वाले वेबसाइट पे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करवा रहा हूँ, तो वो टोटली मेरा टाइम वेस्ट ही है, मुझे अच्छा रिजल्ट ऑफ पेज देगा नहीं. तो मैं मुझसे मेरे साड़ी के प्रोडक्ट से रिलेटेड जो वैसे वेबसाइट से मैं वहां पर अगर अपना एडवर्टाइजिंग करवाऊंगा, बैकलिंकिंग करवाऊंगा, तो मे बी चांसेस है कि अच्छा हो सके ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन. चलिए बहुत बढ़िया. अगर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को हम थोड़ा सा लोअर क्लास लैंग्वेज में समझे ना, तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का सीधा मतलब है कि दूसरी वेबसाइट से रेफर्ड ट्रैफिक अपने पास लेके आया, गूगल की नजर में एक ऑथेंटिकेशन बना ली कि भैया ये जो बंदा है ये हमारा गारंटर है, बस हमें यही करना है. चाहे वो उमेश जी किसी दूसरी वेबसाइट पे हो, ट्रैफिक कहीं से भी आए, आपको बस ये देखना है कि कैसे एक वेबसाइट दूसरी जगह से ट्रैफिक लेके हमारे पास आएगा. अब अगर वो आदमी, इंसान जो आपके पास आया है, जो कस्टमर आपके पास आया है, उसका कहना ये है कि गूगल में मेरे पास बहुत अच्छा रिजल्ट है लेकिन मेरे पास कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो इसके लिए अगर आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन चेक कर सकते हैं. सबसे पहले चलते हैं वर्डप्रेस के अंदर, जंप करते हैं, और वर्डप्रेस में मैं आपको सिखाता हूं कि जब आप एक ब्लॉग बनाते हैं या एक पेज बनाते हैं या कोई कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट लिखने के टाइम आप उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका मेटा टैग्स कैसे डिसाइड करेंगे, क्या चीजें होंगी. आप लोगों के पास जो थीम इंस्टॉल्ड है वो है बी थीम. देविका फॉर यू ट्रायल के लिए आपको एक थीम इंस्टॉल करके दे दी जाएगी जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट यू विल हैव अ प्रीटी गुड नॉलेज ऑफ वर्डप्रेस कैसे काम करता है ये.
चलिए आजकल YouTube में इतना ज्यादा लोग पैसा कमाने के चक्कर में आ चुके हैं ना. मैं मैन इन ब्लैक 3 मूवी देख रहा था. मैं एक्चुअली देखी नहीं थी अभी तक मैंने, और मैं आई वॉज सर्चिंग फॉर मैन इन ब्लैक 3 और अचानक से मेरे सामने फिर वही साउथ इंडियन मूवी स्टार्ट हो गई. मेरे को लगा यही मैन इन ब्लैक है. और तो लोग YouTube में कुछ भी कर रहे हैं एड चलाने के लिए. सर अगर मान लीजिए मैन इन ब्लैक 3 जो आप मूवी देख रहे हो, अगर उसकी वीडियोस मेरे पास अवेलेबल है और मैं YouTube में डाल दिया तो वो पायरेसी में काउंट नहीं होगा क्या सर? सर 100% होगा. और उसके लिए क्या चार्जेस लगेंगे सर? मतलब क्या मतलब बोलते हैं क्या पनिशमेंट है उसके लिए अगर ऐसा करते हुए हम पकड़े गए तो? कुछ नहीं सर, अगर मैन इन ब्लैक वाला आपको नहीं पकड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है. इंडिया में नहीं पकड़ेगा ना सर वो? बस मतलब जेल वेल में नहीं जाओगे आप, इतना कोई ज्यादा बड़ा नहीं है. लेकिन अगर मैन इन ब्लैक वाला जो जिसका जो कंटेंट ओनर है अगर वो चाहेगा तो आप जेल में भी चले जाओगे. लेकिन ये सेशन के बाद करना सर, मैं चाहता नहीं आप बिना उसमें बीच में जाओ, है ना, तो लॉस हो जाएगा. फिर जेल से निकलोगे कहोगे सर दूसरे बैच में डाल दो एडमिशन, तो उससे पहले मैं क्या पता सर मैं जेल से आपका वीडियो ले रहा हूँ. चलिए सर यहाँ पे मैं लॉग इन कर चुका हूँ अपने वर्डप्रेस पैनल के अंदर. और वर्डप्रेस पैनल के अंदर लॉग इन करने के बाद मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ. सबसे पहले कि वर्डप्रेस पैनल में हमारे पास जब भी हम कोई कंटेंट बनाते हैं, मैं एक छोटा सा पोस्ट बनाता हूँ. संजीव सर अब आपको क्लियरिटी है ना वर्डप्रेस कैसे काम कर रहा है? संजीव सर क्लियरिटी है? सर आपका माइक म्यूट है सर, बताएं सर. चलिए मैं समझ गया सर, अगर आप नहीं बोल रहे हैं जी बताएं सर. अब सुन पा रहा हूँ जी. क्लियरिटी है सर? आपने क्या पूछा सर? सर मैंने ये पूछा वर्डप्रेस में काम कैसे करते हैं, क्लियरिटी है अब? हाँ बहुत चीजें क्लियर है, बहुत चीजें नहीं है तो हो जाएगा सर. बहुत बढ़िया सर, यही स्पिरिट रखिए सर. चलिए यहाँ पे मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट नाम का पेज डाल दिया. सबसे पहले याद रखिएगा आप अपने कीवर्ड को अपने पास नोट करेंगे. नोट करने के बाद आप अपनी वेबसाइट का जो भी पेज है उस पेज का नाम अपने कीवर्ड से स्पेसिफिक रखेंगे. जैसे अगर मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली, वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है तो मेरे पेज का नाम क्या होना चाहिए? वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली, पोटेंशियल कीवर्ड. हो सकता है आपकी वेबसाइट का जो पेज है उस वेबसाइट के पेज में बहुत सारे कीवर्ड्स हो, तो आप बेस्ट कीवर्ड कैसे चूज करेंगे जो वेबसाइट का है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली जो पेज में बना रहा हूं इसके अंदर कितने डिफरेंट टाइप के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कीवर्ड्स निकल सकते हैं, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली, उसके बाद डिजाइनिंग डेवलपमेंट इन दिल्ली, या फिर बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली, बेस्ट वेबसाइट कंपनीज इन दिल्ली, बेस्ट वेबसाइट डेवलपर इन दिल्ली. सिमिलैरिटी मिल रही है? इन सब का जो पापा कीवर्ड होगा ना, पापा कीवर्ड वो क्या होगा? वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली. ठीक है, तो पेज उसी नाम पे बनाइएगा. अब सिखाता हूं आगे. अब जब आप कंटेंट लिख रहे हैं, यहां पे जब आप कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट लिखने टाइम सबसे पहले अपने कीवर्ड को डिसाइड कीजिएगा. आज से अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो लोग क्या करते थे, लोग अपने कंटेंट को लिखते थे और छोड़ देते थे क्योंकि ज्यादा भीड़ नहीं थी. लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी भीड़ इतनी ज्यादा है कि आप अगर कंटेंट लिख रहे हैं तो आपको अपने से कंपेयर करने वाले लोग बहुत ज्यादा मिल जाएंगे. तो इसीलिए आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज तरीके से लिखना होगा, जिसको टेक्निकली हम बोलते हैं कंटेंट राइटिंग. अब इस कंटेंट राइटिंग के अंदर आपको करना क्या है, जो भी आप पैराग्राफ लिखेंगे, जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो आपका एनरिच्ड होना चाहिए आपके कीवर्ड से. तो पहले कीवर्ड डिसाइड कीजिए, उसके बाद उस पर सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिए. गौरव सर क्लियर है बिल्कुल? जी सर. आप सबके लिए ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनोज जी, तो ये सारी चीजें बहुत लेके चलिएगा कि किस तरीके से ब्लॉगिंग लिखनी है. अब आपने कंटेंट लिखना है. कंटेंट अगर लिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको यही होगी कि सर समझ नहीं आ रहा लिखें क्या, इंग्लिश अच्छी नहीं है हमारी, हमें लगता है कि जो हम लिखते हैं वो लोग पढ़ेंगे तो हमें बेवकूफ कहेंगे. ऐसा कुछ नहीं होता, जो दिल में आए वो लिखिए. अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा नहीं है
ये पैरामीटर कौन टेस्ट करेगा, ये कस्टमर टेस्ट करेगा ना, लेकिन एक बार लिख के डालो तभी तो टेस्ट करेगा। आप कैसे जज कर रहे हो कि आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं लग रहा इसलिए कंटेंट अच्छा नहीं है। हम इसी चीज की वजह से रुक जाते हैं। सर लिखना स्टार्ट करें, आप एक बार गलती करेंगे, दो बार गलती करेंगे, तीसरी बार में आप अच्छा लिखेंगे। चार डिफरेंट वेबसाइट्स को खोल के देखिए, उनसे पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, और अपना कंटेंट अपने हाथों से लिखिए, कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए। आप कॉपी पेस्ट करेंगे आपका एसईओ रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। एग्जाम्पल से कनेक्ट करता हूँ, सारे सेशन से बोलता हूँ इस एग्जाम्पल को मैं। सर अगर मैं आपको एक शीट दे दूं ना 10 नंबर की, और उसमें अगर डेटा को रिपीट कर दूं ना, तो आप सबसे पहला काम करोगे उस रिपीटेड डेटा को हटाओगे, उसके बाद उस पर कॉल करना स्टार्ट करोगे। तो यहां पर अगर आप कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं तो दैट मींस आप गूगल का डेटाबेस खराब कर रहे हैं। अगर आप गूगल होते तो दूसरों को पनिशमेंट देते ना गौरव जी, है ना, क्योंकि आप डेटाबेस खराब कर रहे हो। तो इसीलिए डेटाबेस को अच्छा बनाओ। अब सर कंटेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली, इसका कंटेंट क्या हो सकता है? इसका कंटेंट यही हो सकता है ना कि हम अच्छी कंपनी है, हम दिल्ली में वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, वी हैव बीन अवार्डेड विद लॉट ऑफ अवार्ड्स, वी आर वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट कंपनीज इन दिल्ली, कुछ ऐसा ही होगा। अब सर ये जो कंटेंट है ये तो सिमिलर कंटेंट है डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स का, इस कंटेंट में कुछ चेंज तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, अगर मैं गौरव जी को बोल दूं कि सर ये जो क्लास अभी चल रही है, इस क्लास के बारे में कुछ दो लाइन बोलिए सर, गौरव जी बताइए सर क्या लाइन होगी आपकी इस, ये जो क्लास अभी चल रही है, ट्राई करें सर बताएं, अभी आप लोग सीख जाएंगे कंटेंट कैसे लिखना है, बताएं सर। यूनिक प्लेटफॉर्म ऑन विच वी कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग। चलिए बहुत बढ़िया, आपका पोटेंशियल कीवर्ड इसमें से क्या था सर? डिजिटल मार्केटिंग था, यूनिक प्लेटफॉर्म। यूनिक प्लेटफॉर्म तो सर कोई गूगल पर टाइप करके एडमिशन लेगा नहीं सर मेरे यहाँ, ये क्लास के बारे में बताना है ना। हाँ तो डिजिटल मार्केटिंग इज द कीवर्ड। चलिए डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स हो सकता था सर कीवर्ड, है ना। चलिए अब सर इस कीवर्ड को यूज कीजिए और पैराग्राफ बताइए मुझे। ये मत सोचिए कि सर क्या होगा, क्या इंग्लिश मेरी गलत होगी नहीं होगी, सर बोल दीजिए बस। नहीं मैं समझा नहीं सर, प्लीज कम अगेन। मेरा कीवर्ड पोटेंशियल कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स, मेरा पोटेंशियल कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स। सर बोलिए इस पे कुछ एक पैरा बताइए जिसमें ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स वर्ड आ जाए। To start a digital marketing course, IDBM, I mean this institute is a best institute on air. बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, well tried, perfect नहीं है लेकिन फिर भी well tried, चलिए कोई नहीं। संजीव सर आपके पास आते हैं, जो गौरव सर ने बोला कीवर्ड वही रखिएगा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, और इस क्लास के बारे में बताइए सर कुछ। सर मैं तो ये बोलूंगा कि जैसे आर यू अवेयर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इफ यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग सो फर्स्ट यू नीड टू चेक वेयर यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। सो यू नीड टू फाइंड द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, वेदर इट्स लाइक ऑनलाइन एदर ऑफलाइन, सो That is the you need to learn and you take the admission. चलिए ठीक है सर, अगर आपको ये लग रहा है संजीव सर कि ग्रामेटिकली कहीं पे गड़बड़ है, रुकिएगा नहीं, लिखते रहिएगा अपने आप ठीक हो जाएंगे सर, और इस सेशन में मैं अपने आप आपको सुधार दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा उस चीज की। चलिए लेट्स गो टू देविका एंड आई एम लुकिंग फॉर अ परफेक्ट आंसर। देविका इस क्लास को डिफाइन कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कीवर्ड यूज कीजिए उसमें। Learn digital marketing. We need to. It is the best platform to learn digital marketing, and in Delhi, it is more important to. So, is digital marketing institute is important, or only I can use digital marketing? No, my keyword is digital marketing institute. It is digital marketing institute. Okay. So, to learn digital marketing, we can. The best way to take up a course, one can look for. IIDM as an institute, and it is the best institute in Delhi to learn digital marketing. चलिए बहुत बढ़िया। So अभी देखिए मैम ने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सारा एक जगह यूज नहीं किया,
अलग अलग तोड़ तोड़ के ब्रेकअप किया, लेकिन आप तीनों लोगों ने, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, राकेश जी, मनोज जी, उमेश जी, स्वाति मैम, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों लोगों ने इस क्लास के बारे में ही बताया, लेकिन क्या इसको कंटेंट कॉपी कहेंगे क्या? राकेश सर, क्या ये कंटेंट कॉपीड है? नहीं ना, ये कंटेंट कॉपीड नहीं है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आप दूसरी वेबसाइट से डेटा कॉपी कर सकते हैं, बट अपने वर्ड्स में लिखना है। रिस्ट्रिक्ट मत होइएगा। आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के बाद ये होगी, जब मैं आपको बोलूंगा कि कंटेंट लिखिए, तो आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, सर लिखे क्या, हमें समझ नहीं आ रहा। राकेश सर, हो रही है प्रॉब्लम? जी सर। और इसकी वजह से हम रुक जाते हैं, घंटे घंटे बैठे रहते हैं। सर इस पर रुकिएगा नहीं, 5 वेबसाइट्स खोलिए, उसको पढ़िए और अपने वर्ड्स में लिख दीजिए। बहुत सारे टूल हैं मार्केट में जो आपकी ग्रामर को ठीक कर देंगे ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल ग्रामरली, बहुत सारे टूल्स हैं। अगर अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रामेटिकली आप में कुछ एरर्स हैं, आपकी कुछ इंग्लिश में ठीक नहीं है, सर अपनी टीम से हेल्प लीजिए। आपकी जो टीम बैठी हुई है ना, कंटेंट भेजिए एक दूसरे को, तो आपको समझ आएगा। सर कंटेंट आपको खुद लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा, कॉपी नहीं कीजिएगा। कॉपी करेंगे तो गूगल का डेटा खराब होगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि भैया कॉपी करके पेस्ट करके डाल दो, ये गलत पैटर्न है। सर आप अपना कंटेंट लिखिए, मजेदार ऊपर जाएंगे आप। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अगर क्लास के बारे में लिखना है तो आप कुछ मार्क्स के बारे में लिखने लगिए, कंटेंट वही रहेगा, निचोड़ वही रहेगा, जस्ट आपके वर्ड्स में आना चाहिए वो। क्लियर है राकेश सर? जीएसटी तो जीएसटी होगा ना, लेकिन वो होना आपके वर्ड्स में चाहिए। जितना ज्यादा आपके वर्ड्स में होगा उतना मजा आएगा। आइए इसके बाद चलते हैं। अब आपने, लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली के ऊपर कुछ कंटेंट लिख लिया, जिसमें हमने वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली कीवर्ड यूज कर लिया। करने के बाद यहां पर ये सेक्शन जो है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, सेक्शन बनाना, रैपिंग करना। इसके बाद नीचे चलते हैं। इसके नीचे जब आप जाएंगे ना, तो आपके सामने यहाँ पे एसईओ करके एक सेक्शन होगा। ये बी थीम्स के अंदर ऑप्शन है। अगर आप ये थीम यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप एक ऑल इन एसईओ प्लगइन आता है, ऑल इन एसईओ प्लगइन, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऑल इन एसईओ या ऑल इन वन एसईओ, ये प्लगइन आते हैं जो आपकी वेबसाइट पे आपकी हेल्प करते हैं टाइटल, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन लिखने में। यहां पर इस थीम को अगर आप यूज कर रहे हैं, जो मैं अभी आप लोगों को सिखा रहा हूं, यहां पे टाइटल लिखना है। अब टाइटल कैसे लिख सकते हैं? जो पुराना पैटर्न है टाइटल लिखने का, जो पुराना पैटर्न है, उसके बीच में हम कुछ इस तरीके से स्लैश डाल देते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पर लिखा IIDM बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट चलिए, अवॉर्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया। क्या मैंने टाइटल सही लिखा है? स्टार्ट करते हैं देविका आपसे। क्या मैंने टाइटल सही लिखा है? देविका, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो देविका, सुन पा रहे हैं आप हमें? यस यस। मैंने यहाँ पे ये टाइटल लिखा है, मैं इसको नोटपैड में लिख देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। अभी आप लोग सब सीख जाएंगे टाइटल लिखना कैसे है। ये सामने है, मैंने ये टाइटल लिखा है। सो क्या मैंने ये सही टाइटल लिखा है? मेरे पेज का नाम है वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली, और मैंने कॉन्टेंट में भी बहुत फोकस किया है इस कीवर्ड के ऊपर, वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली। अब जो मैं टाइटल लिख रहा हूँ, ये जो टाइटल है, क्या ये टाइटल जो मैंने लिखा है ये सही है? नहीं, ये तो it looks more of a description, I guess. I'm talking about the title of the website.
तो ये टाइटल काफी लेंदी लग रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए संजीव सर आप पे आते हैं। सर टाइटल सही है ये? यस सर टाइटल तो सही है। क्या देख के आपको लग रहा है सर, इंग्लिश अच्छी है, राइटिंग अच्छी है कि नोटपैड में लिख दिया ये अच्छा है? फर्स्ट लाइन तो मुझे लग रहा है कि सही है, IIDM बेस्ड वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया इन दिल्ली। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। इन दिल्ली या इन इंडिया कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, एंड इट इज यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हैं सेकंड लाइन में हम ऑडिट एज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट कंपनी वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी। चलिए ठीक है, मुझे आ रहा है उमेश जी, आपको भी पकड़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। गौरव सर बताइए। उमेश सर को आसान सवाल मिल गया। गौरव सर बताएं। सर ये फर्स्ट लाइन जो है ना वहां तक ठीक है, IIDM बेस्ड वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली। चलिए, ये जो सारी चीजें आप लोग कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें हिट एंड ट्रायल चल रही हैं। आप में से किसी ने भी अभी तक ये नहीं जज किया है कि क्या आपने पूछा ही नहीं अभी हमसे। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए मैं रुक जाता हूँ सर। राकेश सर बताएं। क्या बताना सर, ठीक है कि नहीं टाइटल? हाँ मुझे बताइए सर, ये टाइटल ठीक है नहीं है, या फिर टाइटल अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? सर टाइटल जो आपने सर यहाँ पे लिखा है, जो ऊपर पेज जो है आपका, पेज का जो आपने ऊपर नाम जो लिखा है ऊपर, सर मेरा कीवर्ड है वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली। जी सर, बस मुझे इतना ये दो बार सर, सर ये रिपीट हो रहा है सर इसके अंदर भी, तो सर अच्छा है तो अच्छा लिखा है आपने, पर तो पीछे जो बेस्ट डेवलपमेंट कंपनी दिल्ली लिखा है, अगर वहाँ पर बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी अगर लिखते हैं तो सर ये सारा मैच हो जाएगा हमारा, और ऊपर जो टाइटल है वो भी मैच हो जाएगा, तो हमारे कीवर्ड इसमें आ जाएंगे दो बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राके उमेश सर बताएं। सर अगर आप टाइटल के बारे में पूछे तो मुझे लग रहा है कि आप बेस्ट डेवलपमेंट बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन इन दिल्ली ये लिखते तो आपका टाइटल काफी अच्छा होता, ना कि IIDM, मतलब क्योंकि जो अगर कोई सर्च करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो IIDM से सर्च नहीं करेगा, वो बेस्ट बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली वो ये शायद सर्च करेगा। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आपका मेन फोकस मेन अगर आपका कीवर्ड बेस्ट डेवलपमेंट वेबसाइट कंपनी है तो आप उसी वही होना चाहिए, ना कि आपका कंपनी का नाम IIDM शायद नहीं होना चाहिए। चलिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं, देविका मैम का एक पिज्जा स्टोर है गुड़गांव में, सो वहां पे अगर मान लीजिए वो मैम अपनी वेबसाइट पे टाइटल डाल रही है तो मैम क्या लिख देंगी, बेस्ट पिज्जा इन गुड़गांव, या अपनी कंपनी का नाम डालेंगी नहीं टाइटल पे? ना टाइटल पे कंपनी का नाम ना डाले तो अच्छा है, फोकस करें कि उनका क्या चीज वो मतलब किस चीज पे फोकस करें वो फोकस कीजिए, कंपनी का नाम तो वेबसाइट में आने के बाद भी मालूम पड़ जाए, कस्टमर को कंपनी का नाम पहले नहीं पता, वो यही अगर उसका कंपनी का नाम पता होता कस्टमर को तो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट में चला जाता, ना कि वो गूगल में सर्च करता। चलिए क्या ये ब्रांडिंग खराब नहीं कर रहा सर आपकी? सर ब्रांडिंग तो लेट्स सपोज राकेश राठौर को कोई ढूंढ रहा है क्योंकि उनने CA में बहुत सुना है कि राकेश राठौर से माहिर CA है ही नहीं, टैक्स बचा लेते हैं ये, तो अभी अगर राकेश राठौर को कोई ढूंढ रहा है और वहां लिखा हुआ है बेस्ट CA इन दिल्ली या बेस्ट CA इन इंडिया, तो क्या वो अपनी ब्रांडिंग को लूज कर रहे हैं? राकेश जी क्या बोलते हैं? जी सर लूज तो सर कर ही रहे हैं, इसने राकेश राठौर डाल लिया तो सर फिर तो मैं आऊंगा ही नहीं अगर मैंने ये लिखा नहीं टाइटल में। उमेश सर ये सारी जो चीजें है ना, फातिमा मैम कुछ ऐड कीजिए, आपको छोड़ दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, ध्यान से देखिएगा इसको, ये चीज अगर आपने सीख ली डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ कर ले यही निकाल के चलता है हर जगह, जहां जहां आप अपना पेज शेयर करेंगे वहां वहां यही चीज जाएगी, फेसबुक पे शेयर करेंगे सबसे पहले यही लिखा हुआ दिखेगा, व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे सबसे पहले यही लिखा हुआ दिखेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे सबसे पहले आपको टाइटल लिखा हुआ दिखेगा। स्वाति मैम कुछ एड ऑन कर सकते हैं इस चीज में? रेट तो नहीं है, ज्यादा हिंदी हो गया सर। मैम के पास कोई मशीन वशीन तो नहीं है, थोड़ा कनेक्शन खराब कर दिया? सुन रहा हूँ
चलिए मनोज सर। सर ग्रामर के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड बेस्ट डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली, ठीक है, और यहाँ से कीवर्ड भी दोबारा रिपीट हो रहा है, आई थिंक यहाँ पर अगर दूसरा कीवर्ड डाल दो तो उससे भी ट्रैफिक जनरेट हो सकता है। चलिए ये पॉइंट बहुत अच्छा निकाला इन्होंने, लेकिन अभी तक क्या है ना, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और अगर इस तरीके से आप करते रहेंगे ना तो डिस्कशन नेवर हैज एन एंड। इसका रेजोल्यूशन हम जैसे डिजिटल मार्केटर्स ने क्या निकाला हुआ है, समझिएगा इस चीज को। एक एनालिसिस पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। आप जब मार्केट में उतरते हैं ना तो अपने कॉम्पिटिटर्स को सबसे पहले देखिए, क्योंकि वो उस कीवर्ड के टॉप रिजल्ट में बैठे हुए हैं। उसको देखना बहुत जरूरी है कि हमारे कॉम्पिटिटर किस तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि वो धंधा चला रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, उसका टाइटल देख के आ रहे हैं। उमेश जी सही बोल रहा हूं मैं? सर, उसका टाइटल देख के आ रहे हैं। अभी यहां चलते हैं और यहां मैं डालता हूं, अपने कीवर्ड को हमेशा ध्यान से रखिएगा, पेज बनाने से पहले अपने कीवर्ड को जरूर गूगल पे टाइप करके देखिएगा, वेबसाइट। चलिए यहां पे मैंने डाला ही हुआ था, ये तो ऐड छोड़ ही दीजिए सर, अभी लोकल में आप में बाद में बात करेंगे। यहां पे देखें ये सबसे टॉप में आ रहे हैं, इनके पेज पे चलते हैं और टाइटल में देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो टाइटल इसमें आ रहा है ये होम पेज का टाइटल होता है जो भी आ रहा था? हाँ सर, यहाँ पे आपका कोई भी पेज आ सकता है, आप किसी भी पेज को रैंक करा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आपका पेज सर /वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी या वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी भी आ सकता है, बट इनका मेन पेज आया क्योंकि इन्होंने अपने मेन पेज को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। ठीक है, ये डिपेंड करता है गूगल को क्या समझ आ रहा है, आपकी कौन सी कंपनी समझ आ रही है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो वेबसाइट आ रही है इनका कौन सा पेज आ रहा है, ये होम पेज नहीं आ रहा ना? जी सर, इनका वेब डेवलपमेंट इन दिल्ली आ रहा है, देख रहे हैं? जी सर, आंसर मिल गया सर आपको? हाँ जी सर। चलिए सर यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं इन्होंने टाइटल क्या यूज किया है। वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, वेबसाइट डेवलपमेंट इंडिया। ध्यान दीजिएगा, आप अपने पोटेंशियल कीवर्ड को तो हमेशा रखेंगे, और जैसा मनोज सर ने बोला कि अगर आपके पास प्लेस है तो अपने डिफरेंट कीवर्ड्स को भी वहां डालने की कोशिश कीजिए। अब तीन चार वेबसाइट्स को रीड करते हैं, पहली वेबसाइट ये हो गई, दूसरी वेबसाइट इस पे हो गई, ये देखिए दूसरी वेबसाइट यहाँ आ गई, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली के टाइटल को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी बिजनेस में आप हो सबसे पहले चेक कीजिए कि जिस कीवर्ड को आप टाइप कर रहे हैं उसका टॉप परफॉर्मर कौन है। वो टॉप परफॉर्मर इसीलिए है क्योंकि उसका कीवर्ड, उसका टाइटल, उसका मैचिंग बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है गूगल की नजर में, तो इसलिए जरूरी है कि आप उसको समझे कि उसने किया क्या है और लिखा क्या है। वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, बेस्ट वेब डिजाइन ब्रांडिंग एजेंसी इंडिया। यहाँ पे कर्सर ले गए तो अपने आप दिखाई देगा। जी बिल्कुल सर, टाइटल अपने आप दिखाई दे देगा सर। सर करीना की फोटो लगा रखी है सर, ये तो कुछ भी करते हैं सर, ये तो कुछ भी करते हैं। अभी अभी ये मान के चलिए एक डिजी परफॉर्म इंस्टीट्यूट है, वो डिजी परफॉर्म ने आशीष नेहरा को लगा दिया और आशीष नेहरा बोल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखो, अरे भैया कौन बता रहा है। तो अब बच्चे जा रहे हैं सर, कोई कहीं पे कुछ भी लगा देते, क्या करेंगे सर। चलिए यहाँ पे वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, ध्यान दीजिएगा अभी क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पे मैंने कीवर्ड क्या डाला है, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली, और यहां पर आप देखिएगा पहला लिंक क्या आ रहा है, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, और मैंने यहां क्या डाला है, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली। सेकंड लिंक क्या आ रहा है, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली। तीसरा क्या आ रहा है, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली आ रहा है क्या सर? और दो के नीचे आ रहे हैं वेब, हां मतलब वेबसाइट नहीं आ रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी पूरा नहीं आ रहा है सर जो आप लिखे हो। इसका मतलब गूगल में जब आप ये कीवर्ड लिख रहे हैं ना, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली, तो गूगल वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजाइनिंग को एक ही तरीके से समझ रहा है, और गूगल वेबसाइट डिजाइनिंग को ज्यादा पोटेंशियली समझता है। तो अगर आपको अपने कीवर्ड इस कीवर्ड पे टॉप रैंकिंग में आना है
तो आपको भी डिजाइनिंग कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। लॉजिक समझ आया अभी, क्या फायदा हुआ वेबसाइट इसका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का? गौरव सर क्लियर हुआ? नहीं सर, थोड़ा रिपीट करिए। चलिए दोबारा रिपीट करता हूं सर, आपके फील्ड में चलते हैं सर, यहां पे डालते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स इन ऋषिकेश। सर यहां पे देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, पहले पे चलते हैं। तो सर ये कितने हमें देखने होते हैं? सर आप मैक्सिमम ऊपर से 3-4 देख लीजिए, क्योंकि वही टॉप परफॉर्मर होते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे इन्होंने क्या डाला हुआ है कीवर्ड में, जो टाइटल है, टाइटल में इन्होंने डाला है हॉलीडेज इन ऋषिकेश टॉप एडवेंचर एक्टिविटीज इन। चलिए स्पेलिंग ही नहीं रखी हुई सर, रिलीज लिखा है सर ये तो। जी बिल्कुल रिलीज लिख दिया है, फिर भी टॉप पे है सर, क्योंकि इनके पास इसकी वेबसाइट का हिट बड़ा अच्छा होगा ना, इनके जो बाकी पेजेस हैं उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा ना, ओवरऑल वेबसाइट का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो पेज आ रहा है ये होम पेज नहीं है इनका, ये इनका कौन सा पेज है सर, इनका ब्लॉग का पेज आ रहा है, देख रहे हैं? Yes, इन्होंने एक पोस्ट बना रखा है, वो पोस्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो इनके जो टूर माई इंडिया है उसका बहुत अच्छा एनालिसिस होगा, आप टूर माई इंडिया पे जाइए तो टूर माई इंडिया बहुत अच्छी वेबसाइट होगी, जहां पे बहुत सारे पोस्ट होंगे इनके, तो इनके पास कस्टमर्स बहुत अच्छे होंगे जो यहाँ पे आके बहुत देर तक वेट कर रहे हैं। अभी हम फोकस करते हैं सर जो हम कर रहे हैं। यहाँ पे आप चेक कीजिए कि सर इनके कीवर्ड में एडवेंचर कैंपिंग कहीं पे लिखा है, जो हमने डाला है एडवेंचर स्पोर्ट्स इन ऋषिकेश। ये ऋषिकेश वर्ड हल्का सा मैच नहीं हुआ, फिर भी इसने उठा लिया, क्योंकि कीवर्ड की रैंकिंग, इस वेबसाइट की रैंकिंग गूगल की नजर में बहुत अच्छी होगी। सेकंड पे चलते हैं सर, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है टाइटल। टाइटल क्या चीज होती है ध्यान दीजिएगा, टाइटल आपका जो मेन्यू कार्ड में आप आइटम देखते हैं ना, जिसके बेस पे ऑर्डर करते हैं मुझे ये खाना है, टाइटल वही चीज है। जब कस्टमर सर्च करता है ना, जब कस्टमर यहां सर्च करता है ना एडवेंचर स्पोर्ट्स इन ऋषिकेश, तो जो भी आप टाइटल देख रहे हैं यहां पे, जो भी टाइटल आप देख रहे हैं, उस टाइटल में आपका पोटेंशियल कीवर्ड तो होना ही चाहिए। प्लस अगर इस चीज को समझना है कि टाइटल अट्रैक्टिव कैसे हो, तो होटल्स के बिजनेस को जरूर चेक कीजिएगा। देख रहे हैं टाइटल, ये जरूरी नहीं है कि आप टाइटल में अपने सारे के सारे कीवर्ड को ऐड कीजिए, अपना मेजर पोटेंशियल कीवर्ड यूज कीजिए जो उस पेज का प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी कीवर्ड है, उसके बाद आप वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा लिखिए जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा लिखिए, क्योंकि जब आप इस पेज को शेयर करेंगे ना पूरी दुनिया के साथ, सोशल नेटवर्क पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जब आप करेंगे ना, तो ये टाइटल हमेशा टॉप में जाएगा। जैसे दिखाता हूं मैं आपको, अगर मैं यहां पे राकेश राठौर जी की वेबसाइट निकाल लेता हूं, गूगल में दिख रही है सर? वो डिस्करेज कर रखा सर मैंने अभी तो, पता नहीं सर। चलिए अभी नहीं दिख रही होगी, लेकिन चलिए यहां से उठा लेते हैं सर, राकेश राठौर, ये रही इनकी वेबसाइट, और ऊपर यहां पे एक बार लोड हो जाए सर ये। चलिए ये इन्होंने कुछ टाइटल लिखा हुआ है, इसको यहां से उठाते हैं और फेसबुक पे चलते हैं, और चेक कीजिएगा जब मैं फेसबुक में इस पेज को डालूंगा तो क्या होगा। यहां पे देखिए, फेसबुक में मैं शेयर करना चाह रहा हूं राकेश राठौर जी के पेज को, मैंने राकेश राठौर जी के पेज को शेयर किया, थोड़ा सा टाइम लगता है इनको, ये देखिए ये जो चीज उठ के आई ना सामने, राकेश राठौर एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये कहां से उठ के आया? टाइटल से ही आया ना। उमेश सर क्लियर हो रहा है आपके लिए? बहुत अच्छा, जब आप साड़ियां शेयर करना स्टार्ट करेंगे। यस सर। यहां पर क्या उठ के आया?
आपका टाइटल ही उठ के आया, तो टाइटल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसमें कीवर्ड दबा के डाल दो। टाइटल का मतलब ये भी है कि आप अपने पेज का कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्टिव तरीके से टाइटल लिखें जिसमें आपके कीवर्ड भी आ जाए प्लस आपका कुछ ऑफर या फिर कुछ ऐसा अट्रैक्टिव। राकेश जी आपके लिए बहुत अच्छा टाइटल है ये, क्योंकि आपने अट्रैक्टिव हो क्या सकता है सर, है ना, ये बहुत अच्छा आया। कहां से, कहां लिखा है मुझे पता ही नहीं था सर। आपने टाइटल में ये लिखा हुआ है ऊपर, ये देखिए, अगर आप इसको कहां से, अच्छा मैंने आइडेंटिटी में लिखा है सर जी, साइट आइडेंटिटी में। अगर आप इसको व्हाट्सएप में भी शेयर करेंगे तो कुछ इसी तरीके से दिखेगा ये। अब आते हैं सर गूगल के ऊपर। यहां पर जो मैं बात कह रहा था, यहां पर जो एडवेंचर स्पोर्टिंग की बात हम कर रहे थे, एडवेंचर स्पोर्टिंग की बात में मैंने आपको जो दिखाया, यहां देखिए कि सर इन लोगों ने कैसे लिख रखा है, वर्ल्ड बेस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स इन ऋषिकेश उत्तराखंड इंडिया, एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन ऋषिकेश इंडिया। किस तरीके से इसने, अगर हम एडवेंचर स्पोर्ट का पेज बना रहे हैं तो वहां पे एक्टिविटीज वर्ड भी आना चाहिए, लोग एडवेंचर एक्टिविटीज भी डालते हैं ना मनोज जी। ओके सर, तो यहां पे हमेशा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस समझिए, प्लस पीछे चलते हैं और अगर हम डेवलपमेंट वाली चीज पे बात करते हैं, जो चीज यहां पे बात कर रहा था वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर मैं यहां पे वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली अपने कीवर्ड में डालूंगा, अपने टाइटल में डालूंगा, तो मेरा रिजल्ट हो सकता है अच्छा आ जाए। लेकिन जो मुझे अभी दिख रहा है कि वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी दिल्ली डालने में जो गूगल टॉप में कंपनीज दिखा रहा है, टॉप में जो वेबसाइट्स आ रही हैं, उनका प्राइमरी कीवर्ड यहां पे वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली है, डेवलपमेंट नहीं है, डिजाइनिंग है। तो गूगल वेबसाइट डिजाइनिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है एज कंपेयर टू वेबसाइट डेवलपमेंट। हो सकता है गूगल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ज्यादा समझता हो और वेबसाइट डिजाइनिंग को एक अलग पैरामीटर समझता हो। देविका समझ पा रहे हैं इस चीज को? संजीव सर क्लियर है ये? यस सर, एक क्लियर है, है ना? मनोज सर क्लियर है अभी? क्लियर है सर। हो सकता है वेबसाइट की जो बात हुई तो वहां डिजाइनिंग की थोड़ी ज्यादा हो रहा है, एक्चुअली डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑलमोस्ट सिमिलरली वर्ड्स है, बट लेकिन सर गूगल की प्रेफरेंस को देखना जरूरी है कि गूगल प्रेफरेंस क्या दे रहा है। हम तो 30 मार्क का बन के सर हमने डाल दिया टाइटल के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली और हम क्या बैठे हुए हैं सर कि हमारा कीवर्ड टॉप में नहीं आ रहा। लेकिन अब गूगल के दिमाग में हमने झांक के देखा और हमें ये पता लगा और ये समझे हम कि यहाँ पे जो हमने लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग गूगल हमें उतना अच्छा रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि गूगल को लगता है कि अगर वेबसाइट डिजाइनिंग होगा तो उसका कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि जब वो वेबसाइट डिजाइनिंग लिख रहा है तो गूगल ने उसको एक प्रीफर्ड सेंटेंस माना हुआ है। आप ऊपर से टॉप देख लीजिए, वेबसाइट डेवलप डिजाइनिंग पहला, वेबसाइट डिजाइनिंग दूसरा, वेबसाइट डिजाइनिंग तीसरा, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी चौथा, और यहां पे चेक कीजिए फिफ्थ नंबर पे वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली आ रहा है, जबकि कीवर्ड कौन सा टॉप में आना चाहिए था, जबकि मैंने डाला है कीवर्ड वेबसाइट डेवलपमेंट, तो अभी जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से ये टॉप में आना चाहिए था, है ना राकेश जी? डेवलपमेंट आना चाहिए था, ये वाला आना चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन डिजाइनिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि गूगल को ये लगता है कि वेबसाइट डिजाइनिंग ज्यादा एप्रोप्रिएट कीवर्ड है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चलते हैं, यहां पे देखते हैं सॉफ्टवेयर। तो सर आप जो प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड बोल रहे सर, ये जो इसमें सर पीछे लिखा हुआ था जी, अभी सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे और क्लियरिटी आ जाएगी राकेश जी। जैसे ही मैंने डाला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली, तो यहां पर देखिए सबसे पहला क्या आ रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, दूसरा क्या आ रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, तीसरा क्या आ रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, देख रहे हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग आएगा कहीं पे नहीं ना, चेक कर लेते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग डाल के। अब सर अगर दोनों ही डाल दे डेवलपमेंट और डिजाइनिंग, सर आपको लगता है कि कोई यूजर आके ये सर्च करेगा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली? नहीं, ये तो बड़ा बेतुका सा टाइटल होगा, लेकिन एसईओ के लिए बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप, बिल्कुल आपको यही काम करना है जो आपने अभी बोला है। आपको अपने प्राइमरी कीवर्ड्स के साथ थोड़ा सा खेलना भी पड़ेगा, क्योंकि आपका कीवर्ड तो वो है ही है, और आप कहीं ना कहीं ये भी चेक करेंगे कि भैया गूगल में टॉप पोजीशन पे आने के लिए जो बाकी लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चलते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, तो मैंने सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग डाला ना यहाँ पे, तो एक बार चेक करते हैं कि किसी कंपनी ने सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कीवर्ड डाला भी हुआ है कि नहीं।
सर वेबसाइट डेवलपमेंट होता है या वेबसाइट डिजाइनिंग होता है सर? सर वेबसाइट डिजाइनिंग होता है। सर ये जो इतने पीछे आ रहे होते हैं, ये इतने पीछे क्यों आ रहे होते हैं सर? सर ये पीछे आ रहे होते हैं बेचारे, सर ये बेचारे कुछ नहीं कर रहे होते हैं, ये बेचारे बैठे हुए हैं, गूगल को डेटा दिखाना है बेचारे। धीरे धीरे सर आप भी 10वें पेज से स्टार्ट होंगे, जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेज पे नहीं आ जाएंगे, आप भी 10th पेज से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे ऑप्टिमाइजेशन करते 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 आप पहले पेज पे आएंगे। तो ये सारे वो लोग हैं जो रेस में हैं सर आपके साथ। सर गूगल क्या बताएगा कि हम लोग कौन से पेज में अभी है? सर गूगल नहीं बताएगा, ये आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। और कुछ टूल्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि आप कौन से पेज पे नजर आ रहे हो, कौन सी रैंकिंग पे नजर आ रहे हो, बात करेंगे सर उन टूल्स पे। अब यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कंपनीज इन दिल्ली, ये जो हमने डाला ना, ये चीज गूगल को समझ में ही नहीं आ रहा। और गूगल इसके अकॉर्डिंग जो डेटा दिखा रहा है टॉप पेज पे, वो कौन सा दिखा रहा है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि गूगल को लगता है कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कुछ कोई इतना पैरामीटर मैच नहीं करता। तो इसको देखने के लिए हमेशा समझिएगा काम करने के लिए। अब एक और चीज याद रखिएगा, जैसे ही आप अपना प्राइमरी कीवर्ड गूगल में डालते हैं, दो तीन चीजें बता रहा हूं, जैसे ही आप अपना प्राइमरी कीवर्ड गूगल में डालते हैं ना, जैसे मैंने डाला यहां पे वेबसाइट डिजाइनिंग, यहां देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो गया। इसी चीज को इनकॉग्निटो मोड में लेके चलते हैं, शायद मैंने यहां सर्च किया हुआ है इसलिए ऐसा आ रहा है। इनकॉग्निटो मोड पे गूगल पे सर्च करते हैं, यहां देखिए जैसे ही मैंने गूगल पे डाला ना वेबसाइट, तो गूगल ने मुझे नीचे ऑप्शंस दिखाने स्टार्ट कर दिए। प्रिफर्ड ऑप्शन गूगल सबसे पहले क्या दिखा रहा है? वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली। तो यहीं से समझ जाइएगा कि गूगल वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली को ज्यादा फोकस दे रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट नीचे है लेकिन फोकस ज्यादा इस पे है। तो हमारा टाइटल क्या होना चाहिए, अब इस पे चलते हैं। हमारा टाइटल होना चाहिए वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, अवॉर्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट कंपनीज इन दिल्ली। कुछ समझ आया कि हमने किस तरीके से खेला? राकेश सर क्लियर है? जी सर। हमने क्या किया, हमने गूगल का पोटेंशियल कीवर्ड भी पकड़ लिया और अपनी बात भी सामने सामने रख दी। दोबारा कॉपी करके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को जो मैंने लिखा है यहां पे, ये मैंने अब लिखा है। प्राइमरी कीवर्ड जो है सर, ये फर्स्ट वाला है सर, कीवर्ड जी बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से सेकेंडरी सर ये पीछे वाला है सर, और मेरे हिसाब से जो ये पेज था ना वो पेज बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली, लेकिन अब सर गूगल ये दिखा रहा है कि भैया बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज इन दिल्ली ज्यादा लोग सर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो रैंकिंग के हिसाब से दिखा रहा है ना, जब हम सर्च कर रहे हैं कि कौन सा लोग कितने ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी दिल्ली लोग ज्यादा सर्च करते हैं। अब ये भी यहां पर भी हम सिर्फ सोच रहे हैं, एजम्पशन कर रहे हैं। अभी इससे पहले का जो पार्ट था हमने प्रूफ किया ना सर्च करके, अब इस चीज को भी समझना कैसे जरूरी है कि इसको समझे कैसे कि क्या एक्चुअल लोग ये ढूंढ रहे हैं या वो ढूंढ रहे हैं। हमें तो ग्राहक से मतलब है ना, जिसको वेबसाइट बनवानी है ना उमेश जी? उमेश जी सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सही सर। हमें ग्राहक से मतलब है जिसको वेबसाइट बनवानी है। हमारी वेबसाइट पे क्या लिखा है नहीं लिखा है उससे हमें मतलब नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि गूगल की टॉप लिस्टिंग में हम आ जाए, बस ग्राहक हमारे पास आ जाए। लोग डिजिटल मार्केटर सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं, क्योंकि वो अपने आप को हीरो समझते हैं और वो बिना रिसर्च के सिर्फ जो उनके दिमाग में आया लिख दिया, और वो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है टाइटल, लेकिन हम टॉप रैंकिंग पे नहीं आ रहे होते क्योंकि हम गूगल को फॉलो ही नहीं कर रहे होते, सर्च इंजिन को फॉलो ही नहीं कर रहे होते। अब चलते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज इन दिल्ली, ये जो है इसको लेते हैं, और एक टूल है जिसका नाम है एडवर्ड्स। इस टूल की मदद से आप गूगल पे पेड एड चलाते हैं, और ये टूल आपको एक एक्स्ट्रा टूल बेनिफिट देता है, वो है कीवर्ड प्लानर, जो आपको ये बताता है कि उस कीवर्ड पे मंथली सर्चेस कितने हैं,
उस लोकेशन में जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, देखते हैं सर ये कैसे काम करता है। सर मेरे क्वेश्चन है सर दो। जी बताएं सर। सर एक तो ये सर जब प्राइमरी कीवर्ड सर बोल रहे हो, ये किसे बोलते हैं? प्राइमरी सेकंड आप बोल रहे हो, प्राइमरी कीवर्ड ये है प्राइमरी। प्राइमरी कीवर्ड मेरा हुआ जैसे ये जो पेज है मेरा, ये कौन सा पेज हुआ? वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली, ये मैंने पेज बनाया है ना। अब इस पेज के अंदर एक ही कीवर्ड तो होगा नहीं सर, इस पेज के अंदर कम से कम मैं 10 कीवर्ड डालूंगा ना। अब सर हर कीवर्ड के लिए एक पेज बनाऊंगा तब तो मैं पागल हो जाऊंगा। जी सर। अभी जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको सिमिलैरिटी समझाया था ना कि कीवर्ड ये है तो इसके साथ कंपैरेटिवली जो सिमिलर कीवर्ड्स होंगे कैसे काम करेंगे। जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली, वेबसाइट डिजाइनिंग इन दिल्ली, बेस्ट वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, बेस्ट वेबसाइट डेवलपर इन दिल्ली, टॉप मोर टॉप 10 वेबसाइट डेवलपर्स इन दिल्ली, कंपैरेटिव कीवर्ड्स हो गए। लेकिन मेरा सबसे ज्यादा फोकस्ड कीवर्ड कौन सा है? वो है ये वेबसाइट डेवलपमेंट या डिजाइनिंग इन दिल्ली। तो ये प्राइमरी कीवर्ड है, बाकी इसके प्राइमरी कीवर्ड हो गया और बाकी सारे सेकेंडरी थर्ड उसके बाद नीचे कीवर्ड्स हो गए, मतलब इसी के जो आसपास जो हम ऐड करके इससे सिमिलर, मतलब इस लैंडिंग पेज के ऊपर बाकी जितने कीवर्ड्स हो गए उनमें पापा कीवर्ड ये है। तो और सर कितना टाइम लगता है सर अगर एसईओ स्टार्ट करते तो, मतलब फर्स्ट पेज पे आ जाए? सर डिपेंड करता है सर, देखिए इसका एक बहुत बड़ा है ना रूल है जो पहले भी हम आप जिस सेशन में आए थे उसमें हमने इसकी बात की थी। मार्केट में लोग बोलते हैं कि एसईओ करने में 3-4 महीने लगते हैं। ये क्यों बोलते हैं? लोगों ने एक एजम्पशन कर लिया है कि 3-4 महीने लगते हैं, इसी को समझिएगा। एसईओ अभी तक जितना आप लोगों ने समझा, एसईओ इज ऑल अबाउट कि आपने जीरो से स्टार्ट किया और परफेक्शन लेवल तक पहुंचना है, जीरो से स्टार्ट किया और हीरो बनना है। अभी आप अगर इस चीज को समझें कि हमने जिस दिन से काम स्टार्ट किया हमारा परफेक्शन लेवल जिस दिन हम पहुंचेंगे वो हमारा एक कॉम्पिटिटिव तरीके से लोगों को पीछे छोड़ते हुए ऊपर जाने का तरीका होगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि हमने वेबसाइट बनाई और नेक्स्ट डे हम टॉप में है ना। धीरे 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 गूगल आपको समझेगा, आप गूगल को समझेंगे और आप टॉप में आएंगे, ऐसा ही होगा ना राकेश जी? जी सर। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके जो कीवर्ड है, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है उस पेज का, वो कितना हाई ट्रैफिक कीवर्ड है या उस पे कितने मंथली सर्चेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ये जज कर सकते कि मेरे को इतना टाइम लगेगा। और वो भी आपको ये जज नहीं कर सकते, आपको ऐसा लिख के नहीं दे सकते कि भैया तीसरे दिन थर्ड डे आई विल बी ऑन टॉप। लेकिन लोगों को ये लगता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ करने में टाइम लगता है। सर नहीं, ऑर्गेनिक रैंकिंग में टॉप रिजल्ट्स में आने में टाइम लगता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एसईओ करने में टाइम नहीं लगता, ऑर्गेनिक रैंकिंग में टॉप में आने में टाइम लगता है, क्योंकि एसईओ का पार्ट लोकल बिजनेस मैप भी है। और राकेश जी अभी इस क्लास में मैंने लोकल बिजनेस मैप पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं सर कि लोकल बिजनेस मैप आपको अगर याद होगा कि आपका सीए सर्विसेज इन द्वारिका कीवर्ड टॉप रिजल्ट्स में 4-5 घंटे में आ गया था, है ना? जी सर। वो भी एक एसईओ का ही पार्ट है। तो ऑर्गेनिक रैंकिंग में आने के लिए आपका पैरामीटर ये डिपेंड करेगा कि आप कितना हाई पोटेंशियल कीवर्ड यूज कर रहे हो। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना होगे। आप 2000 बंदों की टीम बिठाओ ना, 5 दिन में ऊपर आ जाओगे आप। हो सकता है सर ऐसा कि ज्यादा उस पर काम करे तो जल्दी वो टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाए। आप 100% आप पूरे 24 घंटे काम कीजिए सर, बैकलिंक बनाते रहिए, हर जगह डालते रहिए सर, आप फटाफट ऊपर आएंगे। गूगल को तो जिस दिन समझ आ गया कि भैया आप में दम है आपको ऊपर डालेगा। गूगल इज ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। गूगल को समझाना यही तो है ना कि हमारी वेबसाइट पे जो डेटा है वो सबसे अप्रोप्रिएट है। गूगल को क्या मतलब अमेज़न कौन है, गूगल को क्या मतलब मिंत्रा कौन है। गूगल को सिर्फ ये मतलब है कि अगर उमेश जी की वेबसाइट पे मैं कोई साड़ी अगर ढूंढ रही है कोई लेडी, अगर मैं उमेश जी की वेबसाइट पे भेज रहा हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से उसको पैटर्न सेट हो जाएगा और हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो गूगल उनको दिखा देगा ऊपर, है ना उमेश जी? Yes, sir. Okay. तो कुछ फिक्स नहीं है ऐसा कि? जी सर बताएं। टाइम फिक्स, मतलब कुछ फिक्स नहीं है गूगल में कि मतलब इतने टाइम पुरानी हो जाएगी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतना टाइम पुरानी होगी तो आपकी टॉप में आएगी सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल कनेक्ट करके दिखा देता हूँ सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे चेक कीजिएगा, अभी रिसेंट का एग्जांपल ले लें सर, रिसेंट का एग्जांपल ले लें।
मैंने कीवर्ड क्या डाला, हैवी रेन इन उत्तराखंड टुडे, ठीक है राकेश जी? जी सर। अब सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एनडीटीवी आ रहा है, जी सर, ये एनडीटीवी आ रहा है ना, इस एनडीटीवी ने ये क्या, ये दो महीने पहले, तीन महीने पहले डाला था सर, ये तो आज डाला होगा शायद, आज कल, आज कल ही डाला होगा, है ना? जी सर। है ना राकेश जी? तो ऐसा तो है नहीं कि उसने अजम्पशन कर लिया कि रेन होगी इसलिए पहले से पोस्ट बना के डाल दिया। सर ये वेबसाइट तो पहले से टॉप पे होगी ना, तो इन्होंने ये डाल दिया तो फिर ये भी रे भी पोस्ट पे टॉप पे हो गया। किस कीवर्ड पे? क्या मैं यहाँ पे हैवी रेन उत्तराखंड डालूंगा तो यहाँ पे क्या एनडीटीवी टॉप में आ जाएगा क्या सर? किस कीवर्ड पे टॉप में है ये भी तो समझिए ना। एनडीटीवी बहुत सारे हजार कीवर्ड्स टॉप में लेके आ रहा है, इसलिए गूगल उसको प्रेफरेंस दे रहा है कि जो भी वो पेज अपडेट करेगा उस पेज को गूगल टॉप रिजल्ट में लिख आए, क्योंकि गूगल को लगता है कि एनडीटीवी जो भी लिख रहा है वो एप्रोप्रिएट लिख रहा है। क्लियर है राकेश जी? तो अगर मान लीजिए एनडीटीवी के पास कोई एसईओ वाला पहुंचता है और बोलता है कि सर हैवी रेन इन उत्तराखंड टुडे वाले में मैं आपको तीन महीने में टॉप में ले आऊंगा, कोई मतलब बनता है क्या सर इसका? लॉजिक समझे सर, ये डिजिटल मार्केटर्स जो मार्केट में झोला लेके घूम रहे हैं ना, जो आपकी दुकानों में घूमते रहते हैं और कहते रहते हैं कि सर तीन महीने लगेंगे एसईओ में, छह महीने लगेंगे एसईओ में, सर ये उनको खुद ही नहीं पता एसईओ में कोई टाइम नहीं लगता। द मोमेंट गूगल विल एनालाइज दैट यू डू हैव गुड कॉन्टेंट ऑन योर वेबसाइट सो दैट दे कैन रिलेट टू द पर्टिकुलर कीवर्ड, गूगल विल मेक यू ऑन द टॉप ऑफ द पेज, है ना? इसमें टाइम नहीं लगता सर, टाइम की कोई लिमिट ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है सर इसमें। आपका कंटेंट जिस दिन गूगल को समझ आया, आप एनडीटीवी को देखे ना सर, एनडीटीवी का पेज जो है हजारों कीवर्ड्स होंगे, हजारों पोस्ट होंगे, वो हर जगह से डेटा लेके आ रहा है, इसलिए गूगल को लगता है कि ये जो वेबसाइट है ये एप्रोप्रिएट है। सर क्यों मैं यहां पे यहां हैवी रेनफॉल, हैवी रेन इन उत्तराखंड डाल देता हूं, यहां पे मैं डाल देता हूं हैवी रेन इन शिमला, हैवी रेन इन शिमला टुडे डाल देता हूं, सर यहां पे भी एनडीटीवी क्यों है, यहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि गूगल को लगा कि यहां पर ये जो वेबसाइट है ना, यहां यहां ये देखिए, इस वेबसाइट में ये देखिए क्या किया टाइम्स ऑफ इंडिया ने, क्या किया देखिए सर सामने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने फटाक से क्या किया, अपना एक पेज बना दिया, किस नाम से, शिमला हैवी रेन। टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट की पहले से पैरामीटर गूगल की नजर में बहुत अच्छी है, और जैसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने पेज बनाया फटाक से टॉप में आ गया। अगर आपको ये टेस्ट करना है कि आपके एसईओ में छह महीने लगेंगे या टाइम लगेगा, तो सर आप ये भी कर सकते हैं, जिस टॉपिक के बारे में इंटरनेट पे नहीं लिखा गया आप अपनी वेबसाइट में, चाहे आपकी नई वेबसाइट ही हो सर, आप उस टॉपिक के बारे में लिखो और देखो सर पेज कैसे टॉप में आता है। सिंपल एग्जांपल कनेक्ट कीजिएगा, यहां दिखाता हूं मैं, बहुत इजी एग्जांपल है। नेक्स्ट टाइम कोई आपको बोले ना कि छह महीना एसईओ में लगता है, उसको ये बोल के दिखाइएगा सर। यहां पे मैं कोई कीवर्ड टाइप कर देता हूं, चलिए गूगल खोलता हूं तब ज्यादा आपको समझ आएगा। ये गूगल खुला हुआ है, यहां पे लेट सपोज मेरा वॉट एवर आई राइट इन सर्च इंजन दैट इज टेक्निकली नोन एज कीवर्ड, सब इससे एग्री करते हैं, जो कुछ भी मैं सर्च इंजन में लिखता हूं उसको हम कीवर्ड कहते हैं। मनोज सर एग्री करते हैं मेरी बात से? यस सर। है ना, गूगल भी इसी को कीवर्ड मानता है। मैंने ये कीवर्ड लिख दिया सर, गूगल दिखा रहा है क्या मुझे कुछ? नहीं ना राकेश जी, नहीं दिखा रहा ना ये? नहीं दिखा रहा सर। अब मैं एक काम करता हूं सर, इसको उठाता हूं और मैं अपने पेज में इसको टाइटल में डाल देता हूं, कीवर्ड में डाल देता हूं, मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं सेम इसी चीज को। क्या गूगल मुझे तीन दिन या चार दिन या पंद्रह दिन बाद ये डेटा नहीं दिखाएगा? गूगल यहां पे मेरे पेज को दिखा देगा, दिखा देगा सर, दिखाएगा ना। तो क्या मुझे एसईओ में छह महीने लगे क्या सर? गूगल आपके पेज को दिखाने से पहले वो इंडेक्सिंग करेगा ना, या क्रॉलिंग तो करेगा ना सर आपके वेबसाइट को? यही तो गेम है। इंडेक्सिंग हमने पेज बना लिया, गूगल को बताएंगे कैसे कि हमने पेज बना लिया। अगर आपकी वेबसाइट पे गूगल रेगुलर आ रहा है, अगर आपकी वेबसाइट पे गूगल रेगुलर आ रहा है तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको चेक करेगा। आप चेक करेंगे अगर अपनी वेबसाइट को
सर मुझे कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही है सर, संजीव सर ने तो ऑफ कर रखा है, किसी ने स्पीकर ऑन किया हुआ है क्या? चलिए राकेश सर, आपकी बैकग्राउंड नॉइज थी सर। चलिए उमेश जी, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे दूं सर। अगर गूगल किसी वेबसाइट पे बिलीव करता है तो उस वेबसाइट पे बार बार जाता है, जल्दी जल्दी जाता है, उसके क्रॉलर्स बार बार जाते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट बिल्कुल नहीं है, गूगल की नजर में आप ज्यादा अच्छे नहीं है, ज्यादा पुराने नहीं है, तो गूगल आपकी वेबसाइट पे 15 दिन में एक बार जाएगा और जितने पेजेस है उठा के ले आएगा। सर अगर फेमस वेबसाइट भी है तो वो भी तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही उस वेबसाइट में जाता होगा ना, मान लीजिए। तो अगर ये जैसे अभी ये टॉप ब्रॉडकास्ट वाले न्यूज हो गए तो ये तो एक एक मिनट में न्यूज आते रहते हैं। बिल्कुल सर, इसी के लिए गूगल ने एक टूल दिया हुआ है जिसका नाम है वेबमास्टर टूल, और उस टूल के अंदर जब भी आप नया पेज बनाते हैं वहां जाके उस टूल में आपको अपने पेज को डालना पड़ेगा और गूगल को बोलना पड़ेगा भैया हमने पेज बना दिया इंडेक्स करो। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर गूगल आपके पेज को ज्यादा इंडेक्सिंग कर रहा है तो आप टॉप मोस्ट में आ सकते हो? सर आप आ चुके हो गए। वो तभी इंडेक्सिंग करेगा जब आप टॉप में बैठे हुए हो। तो सर ये आपने बताया वेबमास्टर टूल्स में, इसमें क्या करना पड़ेगा सर? सर वेबमास्टर टूल अभी टॉपिक मैंने इनको समझाने के लिए बता दिया है, अभी मैंने टॉपिक कवर नहीं किया है तो कंफ्यूज ना करें सर, उस वर्ड को अपने यहां से हटा सकते हैं सर अभी आप। समझ गया सर। अभी आपको क्लियरिटी हुई कि अगर कोई नेक्स्ट टाइम आपको बोलता है कि एसईओ करने में 6 महीने लगते हैं, सर कोई टाइम लिमिट नहीं है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके कीवर्ड की क्वालिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। क्लियर है राकेश सर? जी सर। तो सर ज्यादा पोस्ट डालेंगे तो सर इसमें होता है कि ज्यादा पोस्ट डाल रहे हैं कीवर्ड सर लिंक करें तो जल्दी सर टॉपर आ रहा है। जितना ज्यादा आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक होगा, जितना ज्यादा पोस्ट होगा उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। सर आपने इस वर्ड को लिखा TSFK, इस वर्ड को इसने आपके ट्रैफिक आपके वेबसाइट में 4 दिन या 5 दिन में ले आएगा, रैंकिंग में आ जाता है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है सर, कैसे आएगा फिर ये? सर रीजन यही हो सकता है कि अभी तक गूगल में किसी ने वर्ड लिखा ही नहीं है, गूगल को कोई वेबसाइट ही नहीं मिल रही इस बारे में, गूगल इसको ढूंढ ही नहीं पा रहा है। यहाँ सिंपल लिखा हुआ दिख रहा है ना, डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट, तो दैट मीन्स पूरी दुनिया में ये जो कीवर्ड है इस कीवर्ड की कोई वेबसाइट है ही नहीं कि डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती। मैं अपनी वेबसाइट में इसका पोस्ट बना लेता हूँ इस नाम का और देखिए फिर मैं पोस्ट में टॉप में कैसे आ जाता हूँ। इसको फिर टाइप आप तो टाइप करेंगे सर, लेकिन जो अननोन जो कस्टमर है वो तो टाइप नहीं करेगा ना इस वर्ड। सर हम उसकी बात नहीं कर रहे थे, टॉपिक यहाँ ये था कि एसईओ करने में टाइम कितना लगता है, तो एसईओ करने में टाइम उतना लगता है जितना हाई ट्रैफिक कीवर्ड है वो, तो ये अगर हाई ट्रैफिक कीवर्ड नहीं क्योंकि इस पे मैं ही सर्च कर रहा हूँ, आप ही सर्च कर रहे हैं, तो ये हाई ट्रैफिक कीवर्ड है ही नहीं, तो अगर मैं ही सर्च कर रहा हूँ तो मैं वेबसाइट बनाऊंगा तो टॉप में आ जाऊंगा, मैं कल टॉप में आ जाऊंगा, अभी का भी टॉप पे आ जाएगा ऑब्वियसली। ये तो वही बात होगी कि रेस में खेले दौड़ रहे बोल रहे हैं फर्स्ट आ गए, है ना? तो सर ये रेस है, यहाँ पे जितना ज्यादा मेहनत करेंगे जितना ज्यादा स्पीड से अपने पोस्ट को बढ़ाएंगे, तो राकेश जी वेबसाइट पे पोस्ट डालते रहिए, वेट नहीं कीजिए, डालते रहिए कंटेंट। ऐसा नहीं है कि आपके जीएसटी वाले पेज को आपका आईटीआर वाला पेज सपोर्ट नहीं करेगा, आईटीआर वाले पेज पे जितना ट्रैफिक होगा हो सकता है वो जीएसटी वाले पेज को भी गूगल को सपोर्ट करवा देगा कि भैया देखो आईटीआर वाला पेज इतना फेमस है, हो सकता है जो कंटेंट इसने जीएसटी के पेज पे लिखा है उसमें भी दम होगा, तो गूगल आपकी वेबसाइट का ओवरऑल एरिया बनाएगा। एक देविका आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे मैम। I was just saying कि आपका keyword is important, साथ में आपका the content is also important क्योंकि keywords तो everybody is typing. Yes. But content किसने अच्छा लिखा है Google? बिल्कुल 100%. NDTV heavy rain का I think सबने article लिखा है but NDTV का अच्छा है इसलिए. Yes. Because Google believe on them. क्योंकि अभी तक उसकी history Google के साथ ऐसी रही है. अगर यहाँ पे मैं चला जाऊं, आप देखें ना, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के इस पेज पे चला जाऊं और मैंने जैसे ही इस पेज को खोला मैंने फटाक से वापस कर दिया, मैंने कैंसिल कर दिया पेज को, मेरे को डेटा मिला ही नहीं। सर ऐसे 2000 लोग सर पूरी इंडिया से कर देना ये पेज खट से नीचे आ जाएगा क्योंकि इसकी बाउंस रेट इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है मनोज सर? यस सर। बहुत सारे पैरामीटर हैं, सीधा सीधा काम समझें, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए तो आप गूगल में टॉप में हैं।
चाहे वो Amazon जी बताएं सर। सर जैसे भी आपने बताया कि इंडेक्सिंग हो रही है ये, ठीक है, क्रॉलिंग हो रही, सॉरी, तो जो टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स हैं उन्होंने अपने पेज सबमिट करे गूगल एमआरटा टूल पे, तो इंस्टेंट कर लेगा गूगल उनको क्रॉल। सर आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट गूगल के नेचर में क्या है, गूगल के डेटाबेस में आपकी वेबसाइट का रैंकिंग क्या है। चलिए, आपकी वेबसाइट अगर लगता है कि गूगल की नजर में बहुत अच्छा है तो इमीडिएटली करेगा सर, वो इंस्टेंटली करेगा, क्योंकि सर जो न्यूज वाली होती है वो 5 मिनट में चेंज होती है। बिल्कुल सर, 100%। आप यहाँ पे अर्थक्वेक डाले ना सर, अभी दिल्ली में अर्थक्वेक आएगा और गूगल पे जाके आप टाइप कर ले, आपको डिटेल दिख जाएगा उसका, है ना सर। यानी टॉप रैंकिंग वेबसाइट बैठी हुई है उनका तो जाएगा। बिल्कुल 100% सर, गूगल डेटा वहीं से उठा लेगा। और गूगल यहाँ पे आप देखिएगा सर, ये देखिएगा, इसको मैं चलता हूं और एक कैश लेके चलता हूं, अभी यहां पे चलते हैं, कैश लेके चलिएगा। इस वेबसाइट पे गूगल कब आया है सर, यहां देखिए, इस वेबसाइट पे गूगल आया है 5 जून को, है ना, 5 जून को इस वेबसाइट पे, इस पेज के ऊपर गूगल आया है, उसके बाद नहीं आया है। यहां पर अगर इस पेज को 5 जून को जब इन्होंने पेज बनाया होगा, उस पेज को फटाक से उन्होंने वेबमास्टर टूल में जाके उसको इंडेक्स कर दिया, तो गूगल की मेमोरी में गया, भैया इस पेज को इंडेक्स करो। गूगल ने चेक किया, क्या ये वेबसाइट बहुत पोटेंशियल रखती है, डेटा अच्छा देती है, क्या इस वेबसाइट का रैंकिंग बहुत अच्छी है गूगल की मेमोरी में, फटाक से उसने पेज को डाल दिया उठा के, क्योंकि गूगल को एप्रोप्रिएट रिजल्ट दिखाना है। गूगल को यह दिखाना है कि जो कस्टमर सर्च कर रहा है वो अच्छा सर्च करे, उसको अच्छा रिजल्ट मिले, तभी गूगल भी चल पाएगा। सर्च करने वाले नहीं होंगे तो एड चलाने वाले कहां से आएंगे। सही बोल रहा हूं राकेश जी। सो अब चलते हैं, दोबारा आते हैं अपनी इस चीज पे। अब यहां पर ये जो भाई होगा सर, दोबारा मुझे फर्स्ट का मतलब ये हो सर, हमें पेज वाइज एसईओ करना पड़ेगा, कि एक पेज का जो होगा, एक एक पेज को लेकर चलना पड़ेगा कि एक पेज टॉप पर आए। सर बिल्कुल, मैंने आपको ये कब कह दिया कि सर आपको वेबसाइट का एसईओ करना है, हर पेज का एसईओ करना है। मैं आपको हर पेज पे, हर पेज का नहीं, हर पोस्ट का एसईओ करना है राकेश जी। और ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत लेंथी काम है, बहुत बड़ा काम है, कुछ नहीं है सर, एक बार एक पैटर्न फिक्स कर लेंगे ना, कि आपने कॉन्टेंट लिखा, उसका टाइटल बनाइए, कीवर्ड बनाइए, डिस्क्रिप्शन बनाइए, डन खत्म। आपको कुछ नहीं करना है, इमेजेस डालिए अच्छे से, ऑल टैग डालिए, वहां पे अपना टाइटल डालिए, डिस्क्रिप्शन डालिए, मेटा टैग डालिए, काम खत्म, दूसरा पे आइए। सर ऑन पेज में यही होता ही है सर, ऑन पेज में ज्यादा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे देखिए सर, आपने टाइटल लिख दिया, अब आप लोग बहुत क्लियर है, मनोज सर क्लियर है टाइटल कैसे लिखना है? यस सर। गौरव सर क्लियर है? जी सर। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था वो। ये सर टाइटल का एक क्वेश्चन है सर। जी जी बताइए सर, जो प्राइमरी कीवर्ड है, मतलब प्राइमरी कीवर्ड तो मुझे समझ में आया टाइटल में, जो रिमेनिंग कीवर्ड्स है वो क्या स्लांट डाल डाल के लिखना है या फिर उसे? सर बहुत लोग इसको कॉमा डाल देते हैं, बहुत लोग कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, अलग अलग लिखने का पैटर्न है। यहाँ पर देखिएगा, जो भी इंटरनेशनल आपको मिलेंगे या फिर जितना भी, ये देख एक सजाने का तरीका है सर, आपका लिस्टिंग ज्यादा एप्रोप्रिएट और तरीके से दिखता है, लेकिन लोग आजकल यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप स्पेस डालेंगे और यहाँ पे स्पेस डालेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना, ये लिखा हुआ ऐसे अच्छा लग रहा है क्या? नहीं ना। और यहाँ पे अगर मैं एक कॉमा डाल दूं और एक स्पेस डाल दूं, एक लेटर का स्पेस बच गया। अब मैं यहाँ पे सर कॉमा डाल दूं और फिर यहाँ पे एक स्पेस डाल दूं, ये गलत इंग्लिश है ना? यस सर। अभी सर यहाँ पे अगर मैं एक स्लैश डालता हूँ तो मेरे को उसके आगे पीछे दोनों जगह डैश देना पड़ेगा ना, स्पेस देना पड़ेगा, तभी तो अच्छा लगेगा वो। तो लोग यही करते हैं स्पेस बचाने के लिए, क्योंकि टाइटल जो गूगल में दिख रहा है वो टाइटल वो चाहते हैं पूरा पूरा दिखे। आप यहाँ पे टाइटल लिख दीजिए 4,000 वर्ड्स का, तो नहीं चल पाएगा ना काम। अच्छा, ओके। तो सर जितना दिख रहा है उतना ही टाइटल दो, ज्यादा मत दो।
अब यही चीज है सर, कितना दिख रहा है तो अलग अलग होता होगा, मोबाइल पे अलग सर, डेस्कटॉप पे अलग, ऐसा होता है। 12-15 वर्ड्स शायद दिखता हो सर, या कितने वर्ड्स दिखते हैं सर? 120 कैरेक्टर्स, 90 से लेके 120 कैरेक्टर्स तक गूगल सजेस्ट करता है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग मोबाइल डिवाइस पे सर्च कर रहे हैं, तो बेस्ट अप्रोप्रिएट है 70-90 कैरेक्टर्स। बेस्ट अप्रोप्रिएट है 70-90 कैरेक्टर्स, इसको हम कहते हैं कीवर्ड डेप्थ। मैक्सिमम आप जा सकते हो 120 कैरेक्टर्स पे, इंक्लूडिंग वाइट स्पेस। एक पेज के अंदर 20 कीवर्ड से ज्यादा मत डालिएगा कीवर्ड्स के अंदर, उससे ज्यादा कीवर्ड आप डालेंगे तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि आपका डेटा है क्या और आप लिख क्या रहे हो। यहां पे चलते हैं, सेकंड है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आता है कि डिस्क्रिप्शन क्या है। सर एक पेज के अंदर 20 वर्ड्स मींस दैट इज 20 कीवर्ड्स सर, 20 कीवर्ड्स। आपको याद है सर जब हमने मेटा टैग की पढ़ाई की है, तो मेटा टैग के अंदर कुछ कीवर्ड होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। यस सर, सर याद है ना? तो वो जो कीवर्ड्स है, अभी सर उस कीवर्ड्स पे आ रहे हैं। तो एक पेज के अंदर 20 कीवर्ड से ज्यादा मत लिखिएगा, मतलब दैट मींस कि आप एक लैंडिंग पेज को ज्यादा से ज्यादा 20 कीवर्ड पे प्रमोट करने के ऑप्शन डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपकी वेबसाइट, लेट सपोज आपकी टॉय वाली वेबसाइट है, और आपने टॉय वाली वेबसाइट के होम पेज पे आपने अपने बॉयज टॉयज, गर्ल्स टॉयज, मेल टॉय, फीमेल टॉय सब डाल दिया। क्योंकि कंटेंट कितना बड़ा पेज लिखेंगे सर, गूगल ये भी तो कह रहा है ना, इसको समझिएगा। गूगल ने इसलिए 20 कीवर्ड बोला क्योंकि आपका जो पेज का लेंथ है वो भी तो ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, कितना बंदा स्क्रॉल करता रहेगा, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपका गूगल ये लेके चलता है कि भैया अगर एक कीवर्ड आप लिख रहे हो तो उसमें दो पैरा लिखोगे ना मिनिमम उस कीवर्ड के बारे में। तो सर अगर 20 कीवर्ड लिखोगे तो 40 पैरे हो गए। सॉरी 20 कीवर्ड में बहुत ज्यादा पैरा हो गए। तो आप लॉजिक समझ रहे हो कितना बड़ा पेज हो जाएगा। राकेश सर क्लियर है टॉपिक? एक कीवर्ड में 20 पैरा, एक कीवर्ड में दो पैरा हुआ सर, तो 20 कीवर्ड अगर लेके चलते हैं ऑन एवरेज 40 हो गया। जी बिल्कुल सर। सो आप देखिए ना कि आप सर उतना जो पैरा है उसमें पेज की लेंथ कितनी बड़ी हो जाएगी। सर आप बोल रहे हैं कीवर्ड सॉरी सर आप बोल रहे हैं कि कीवर्ड एक पेज में 20 होने चाहिए, मतलब तो इसमें प्राइमरी कीवर्ड तो एक ही होगा सर? बिल्कुल एक ही होगा, 100% एक होगा। ये तो नहीं सर अलग अलग कीवर्ड्स जो है उन्होंने एक होटल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नहीं आ पाएंगे ऊपर। तो प्राइमरी कीवर्ड को ही मान के चलना है सर, यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड को हर पैरा में डालना है सर। प्राइमरी कीवर्ड तो आपका रहना ही रहना चाहिए हर पैरा में, ये मतलब नहीं है कि आपने 40,000 बार सर एक ही कीवर्ड को उठा उठा के डाल दिया हर जगह। सर लॉजिक सेंस बनता है सर, लॉजिक बनता है। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे सिंपल यहां पे ले लीजिए ना सर, यहां पे चलते हैं, ये शिमला रेंज है सर, यहां पे, यहां पर मैं कंट्रोल यू करता हूं, इनके सोर्स पेज पे जाता हूं, और मैंने यहां पे कीवर्ड क्या डाला था सर, रेन इन शिमला। सर सिर्फ 6 बार है ना ये कीवर्ड यहां पे, Yes, है ना सर? तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पे अगर मैं शिमला को देख लू ना, अगर मैं शिमला को देख लू, शिमला 40 बार है यहां पे, और अगर मैं रेन को देख लू तो रेन 121 बार है यहां पे। राकेश सर क्लियर हुआ? लॉजिक समझ आया सर? कंटेंट कैसे डिफाइन करना है, ये जरूरी नहीं है कि आप हर पैरा में सिर्फ अपना कीवर्ड लिखते रहिए। जैसे देविका मैम ने बताया था हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, उन्होंने जो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट एक जगह पूरा यूज नहीं किया था, उन्होंने अलग अलग जगह यूज कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यूज करना ही नहीं है, आप रेंज इन शिमला जैसे कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर पैरा में जबरदस्ती घुसाते चलो। ऐसा करेंगे तो उसको ब्लैक हैट एसईओ कहा जाएगा।
गूगल को लगेगा कि जबरदस्ती आप कीवर्ड घुसा रहे हैं। पूरा वर्ड नहीं आना चाहिए लेकिन उसका पार्ट जो है, उस वर्ड का पार्ट अगर आ रहा है, जैसे रैन एंड शिमला दो पार्ट है, तो रैन एंड शिमला में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली तो आएगा ही। बिल्कुल सर, तो उससे इसके उसमें इसमें समझ आना चाहिए सर। सर देखिए, ये जितनी चीजें हम कर रहे हैं ना, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ये जितनी चीजें हम कर रहे हैं गूगल को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं। जितनी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन सर लिमिट में बनाना है बेवकूफ। यस, ज्यादा बनाओगे तो सर वो तो समझ जाएगा ना फिर। ये कोई आपको बताएगा नहीं सर कि ये बेवकूफ बना रहे हैं। लोग बोलेंगे एसईओ बहुत अच्छी चीज है, सर बेवकूफ बना रहे हैं हम, सिंपल सी चीज है। चलिए अभी यहाँ पे बताए सर, सॉरी सर, ब्लैक मुझे लग रहा है जो बताएं बताएं सर, सुन पा रहा हूँ सर, मुझे लग रहा है जैसे मतलब रहे ना, कुछ इलेक्ट्रिक स्पार्किंग हो रही है सर, बच के रहिएगा थोड़ा सा। सर आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है, लेकिन बस मैं आपके लिए चिंतित हूँ कि कहीं हेडकॉट करना लग जाए सर। चलो सर पूछता हूँ मैं, हैंड फ्री चेंज करके आप बताइए। चलिए सर, सर यहाँ पे देखिए, अब डिस्क्रिप्शन की बारी आती है। वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखना है, मनोज जी आपके लिए, राकेश जी आपके लिए, जितने लोग भी ब्लॉगिंग पे काम कर रहे हैं वो सारे लोग दूसरी दूसरी अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट पे जाइएगा और चेक कीजिएगा गूगल में टाइप करके उनकी वेबसाइट का नाम या फिर उस पेज का नाम जिस पेज से आप अपने आप को कॉम्पिटिटर मान रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा कि उनने किस तरीके से लिखा है, और आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है। ओके सर। इसके बाद आता है कीवर्ड्स, सबसे इंपॉर्टेंट टैग है मेटा टैग। ये जो कीवर्ड टैग है, यहां पे आपको वो कीवर्ड्स लिखने हैं जिस बारे में आपका पेज है, जो पूरा डेटा आप बना रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि इस कीवर्ड, इस टैग की मदद से आप गूगल को ये बता रहे हैं कि हमारा बिजनेस इस चीज में माहिर है। ये एक तरीके की कैटेगरी है गूगल की मेमोरी के अंदर। सो ये जो कीवर्ड्स है यहां पे क्या क्या आ सकता है, वेबसाइट डिजाइनिंग, लिखने का तरीका सर, वेबसाइट डिजाइनिंग। कोई जरूरी नहीं है कि आप प्राइमरी पहले डालें, सेकेंडरी बाद में डालें, यहां कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन कीवर्ड को डालिएगा जरूर। ये सिर्फ एक कैटेगरी है गूगल की मेमोरी में, गूगल ने अलग अलग बाल्टियां बना रखी हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग वाला उठा के वेबसाइट डिजाइनिंग में डाल दिया, जीएसटी वाला जीएसटी में डाल दिया, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि आपने एक पेज बना दिया और आपने लिख दिया राकेश जी कि आप अपनी कंपनी में जब कोई बंदा आता है तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं और फ्री वेबसाइट देते हैं, तो आपने कीवर्ड डाल दिया क्या, वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली, और उसके आगे लगा दिया जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बाल्टियां हो गई, तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा सर कौन सी बाल्टी से डेटा उठाना है और दिखाना है, तो गूगल आपको छोड़ ही देगा। तो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस इसी को कहा जाता है कि जो पेज के ऊपर डेटा है प्रॉपर एक चीज के बारे में लिखिए। ओयो ऑर्गेनिक रैंकिंग में, ओयो रूम्स ऑर्गेनिक रैंकिंग में बहुत अच्छा काम करता है, और वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसने अपने लैंडिंग पेजेस पे काम कर रखा है। चेक कर लीजिएगा होटल्स इन दिल्ली, होटल्स इन भुवनेश्वर, कुछ भी डाल के ओयो टॉप में आएगा और उसने उसके लैंडिंग पेज पे जाके चेक कीजिएगा। जब तक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस नहीं करेंगे समझ नहीं आएंगी चीजें। एक पूरा दिन दीजिए अपने आप को और अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने कीवर्ड्स को अपने दिमाग में लाइए, इंटरनेट पे जाइए, गूगल खोलिए और अपने कॉम्पिटिटर्स को चेक कीजिए, उसके बाद देखिएगा आपका दिमाग कितना क्लियर हो जाएगा कि क्या लिखना है, क्या कीवर्ड में जाना है, क्या टाइटल में जाना है। चलिए इसके बाद आता है ओपन ग्राफ, इसको हम कहते हैं ओजी इमेज। ये इमेज वो इमेज होती है जहां पे जैसे हर सबका अपना अपना कोड होता है, जैसे फेसबुक ओजी इमेज के लिए कोड देता है जो आपको अपनी वेबसाइट में डालना है। अगर आप बी थीम यूज कर रहे हैं या वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, तो यहां पर ओजी इमेज डालने के लिए आपको डायरेक्टली एक ऑप्शन होता है यहां पे, जो भी इमेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं शेयर कर रहा हूं, लेट सपोज अपना एक कीवर्ड, सॉरी अपना एक लोगो, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, जैसे ही मैं
फेसबुक के ऊपर अपने पेज को शेयर करूंगा ना, जैसे ही मैं अपने इस पेज को फेसबुक पे शेयर करूंगा तो मेरे पास ये इमेज आएगी शेयर करते टाइम। ध्यान दीजिएगा, दिखाता हूं करके। ये मैंने पेज बनाया और मैंने इसको पब्लिश कर दिया। ये मैंने यहां से कॉपी किया और मैं चलता हूं फेसबुक के अंदर। ऐसे ही ओजी इमेज व्हाट्सएप की भी आप डाल सकते हैं, आप फेसबुक की भी डाल सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये थीम आपको फेसबुक के लिए देती है। यहां चेक कीजिएगा, मैंने इसको डाला, अभी थोड़ी देर में अभी वो डेटा रीड नहीं कर रहा है क्योंकि बिल्कुल नया है, तो इस चीज को आराम से वही ओजी इमेज दिखाएगा। जब आप शेयर इसको करेंगे तो वो ओजी इमेज वही फेसबुक वाली दिखाएगा जो हमने वहां पे डाली हुई है। तो ये शेयरिंग के लिए जो सोशल नेटवर्क से बहुत ज्यादा काम करते हैं, जैसे मान लीजिए उमेश जी, आप जब किसी पेज को शेयर कर रहे हैं ना सोशल नेटवर्क, क्योंकि आपका सामान बहुत ज्यादा बिकेगा सर सोशल नेटवर्क पे, है ना? यस सर। तो सोशल नेटवर्क पे जब शेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ओजी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग इमेज देख के ही क्लिक करते हैं चीजों को। सर, ओजी इमेज पे किस टाइप का इमेजेस डाल सकते हैं सर? जैसे हम अगर साड़ी का बिजनेस या टॉयज का बिजनेस, तो टॉयज का इमेज डाल सकते हैं वहां पे? सर बिल्कुल, अगर टॉयज का बिजनेस कर रहे हैं तो मेरी तो फोटो बिल्कुल नहीं डालेंगे वहां सर। मतलब हमारा प्रोडक्ट का इमेज जो पेज होगा 100% सर रिलेटेड तो उससे होना चाहिए ना संजीव जी। यस सर। अभी तो लोग क्लिक करेंगे, आप ओजी इमेज लगा क्यों रहे हैं? क्योंकि कस्टमर क्लिक करे उस पे। कोई नंबर ऑफ इमेज लगा सकते हैं इतना कि सर 2, 4, 10 ऐसा भी? ओजी इमेज एक ही होती है, आप स्लाइड शो नहीं लगा सकते, एक इमेज लगा सकते हैं। जी बिल्कुल सर। हर पेज में एक ओजी इमेज लगा सकते हैं? जी बिल्कुल सर। चलिए यहां तक की क्लैरिटी है, अब इस तो सर, जी बताइए सर। व्हाट्सएप के लिए अलग? जी बिल्कुल सर, व्हाट्सएप के लिए अलग ओजी इमेज लगेगी। अगर आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट कोड समझने हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं आपको कोड्स दूंगा, वो आप लोग करेंगे। अभी के लिए जो आपके पास थीम है उसमें आप लोग कल के टास्क के लिए, सॉरी मंडे के टास्क के लिए आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग एक पोस्ट बनाएंगे। जो भी चीज आप सोच रहे हैं, वेबसाइट की डिजाइनिंग छोड़ दीजिए, अभी आप एक पोस्ट बनाएंगे अपने वर्डप्रेस के अंदर। उस वर्डप्रेस के अंदर आप उस पोस्ट को तरीके से, उसमें डेटा भी लिखेंगे, उस पोस्ट के अंदर आप टाइटल भी लिखेंगे, कीवर्ड्स भी डालेंगे, पोस्ट का कंटेंट भी लिखेंगे। सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। सर अभी आ रही है मेरी साउंड? अभी ठीक है। चलिए सर, दोबारा बोलने में शायद भगवान ने सुन लिया। चलिए सर, आपका टास्क ये है कि मंडे को आप लोग अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में है या नहीं भी है, फिर भी एक पेज बनाइए। चाहे किसी के बारे में नहीं पता तो गाय हमारी माता है पे लिख दीजिएगा, उसके लिए एक ओजी इमेज लगाइएगा। थीम आप लोगों में इंस्टॉल है, स्वाति मैम आपकी भी थीम अभी इंस्टॉल हो जाएगी। थीम लगाइएगा, उसका टाइटल लिखिएगा, उसका कीवर्ड डालिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन डालिएगा और उसके कंटेंट को लिखिएगा, और हम उस चीज को ऑप्टिमाइज करेंगे कि क्या तरीके से आपने लिखा है। गलतियां करेंगे, मैं बताऊंगा, तभी परफेक्शन में पहुंच पाएंगे। क्लियर है सबको? क्या करना है मंडे को अब? यस सर, याद है के लिए। Yes, sir, ये चीज करके लाएंगे। चलिए सर, आपके पास संजीव सर टाइम है सैटरडे संडे का, अच्छे से कॉम्पिटिटर्स को चेक कीजिएगा संजीव सर। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि खिलौने वाली दुकान को थोड़ा बाद में चलाइएगा, पहले सर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे उतर जाइए। यस सर, मैं यही करूंगा, मैंने डिसाइड कर लिया है, यही करना है मुझे, है ना? मतलब सर ये तो सर 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 ये तो झांकी है, अभी पूरी कहानी बाकी है, अभी आपके 10 बिजनेस आइडिया और चेंज होंगे सर। ये तो अभी सर सीखना स्टार्ट किया है, अभी तो नई नई चीज पता लग रही है कि अच्छा यहाँ से भी पैसा आ रहा है। जब धीरे धीरे और जब एडवर्ड्स में बढ़ेंगे ना, जब धीरे धीरे आपको पेड एड समझ आएगा ना, तब हाथों में आपकी उंगलियां अपने आप नाचने लगेंगी, भैया पैसा कैसे कमाया जाए। तो बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में 10 और निकलेंगे, लेकिन
अभी के लिए जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट स्टार्ट कीजिए सर। राइट सर, ठीक है सर, आप अपना बिजनेस कॉम्पिटिटर खड़ा कर रहे हो। सर बिजनेस कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं कर रहा हूँ सर, मैं अपना बैकअप बना रहा हूँ सर। बैकलिंक बन रहा है सर आपका। बिल्कुल, मेरे पास काम ज्यादा होगा तो मेरे पास एक इंसान है जिसको मैं रेफर कर सकता हूँ और बीच में कमीशन कमा सकता हूँ। ये मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है सर। चलिए यहीं तक सेशन को रखते हैं सर, एंजॉय योर हॉलीडे। और मनोज जी, अगर मैं नैनीताल आया तो आपसे जरूर मिलूंगा सर। बिल्कुल सर, चलिए सर, थैंक यू। आप लोग सेशन एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो आपस में बात कर सकते हैं सर। मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन गाइस, वी विल मीट ऑन मंडे। धन्यवाद, गुड नाइट सर, गुड नाइट।